जानवरों के कोठे में आग लग गई और इस आग में कृषि आदानों के साथ खाद्यान्न जल गया। यह घटना सोमवार 6 जून को रालेगांव तालुका के पीपरी सावित्री में हुई। इस घटना में किसान को लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। रालेगांव तालुका के पिंपरी सावित्री में एक किसान दिगंबर रोगे के खेत में सुबह आग लग गई। इस खलिहान में 2 बोरी गेहूं की भूसी, 4 बोरी चना भूसी, 3 बोरी तूरी की भूसी, 30 बोरी रासायनिक खाद, 20 बोरी यूरिया, जुताई मशीन, टिफनी, कुदाल, 35 टीन शीट, खलिहान, कृषि के 10 ट्रैक्टर खाद आदि जलकर राख हो गए। इस बीच तलाटी दिलीप छेड़े ने तहसीलदार को रिपोर्ट दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग में किसान रोगे को 1,25,000 रुपए का नुकसान हुआ। हाल ही में बाजार में बिकने वाले सोयाबीन, कपास और अरहर की अपेक्षित कीमत नहीं मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को आग से संकट का सामना करना पड़ रहा है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।